नमस्कार, मैं मनु सिंह। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मिस्टर सेस कुमार। क्या होती है आईपीसी? बहुत सारे नागरिक बस का क्वेश्चन। हेलो बॉस, वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे वी गोइंग टू टेक यूजर क्वेश्चन। क्वेश्चन आज हम दो क्वेश्चन ले रहे हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है आशीष कुमार का और दूसरा क्वेश्चन है पूजा जी का। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, जैसा हम हर वीडियो में बताते हैं, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सेम प्रॉब्लम से अगर कोई परेशान है तो उस तक ये वीडियो पहुंच जाए और हमारी सोसाइटी क्राइम फ्री हो सके, अपनी डेमोक्रेसी को हम स्ट्रांग कर सके। और ज्यादा से ज्यादा क्राइम फ्री होगा तो आपकी आने वाली जनरेशन सेफ हो सकेगी। तो चलते हैं सर के पास, श्रीशेष कुमार सिंह जी और मैं सिद्धार्थ सिंह, क्वेश्चन पूछते हैं। सर, ये आशीष कुमार का क्वेश्चन आया हुआ है। इनकी वाइफ ने 498A लगा दिया है, झूठा लगाया है, तो ये जानना चाह रहे हैं अब ये क्या करें उससे बचने के लिए। अब जो इनकी पत्नी है जी, तो इनको उससे निगोशिएशन करना चाहिए जी, है ना जी। ये दहेज से संबंधित अपराध है, है ना जी। तो इसमें लिमिटेशन भी होती है, 7 साल के बाद इसका प्रभाव कम हो जाता है जी, है ना। तो इसमें दहेज पीड़न हर तरह की क्रूरता आती है, ठीक है जी। पत्नी का संबंध अगर बेहतर बना ले तो इनके लिए बहुत अच्छा है जी, कॉम्प्रोमाइज ही इसका एक चार है। मीडिएशन के माध्यम से जी इस मुकदमे को खत्म करा दे तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा जी, है ना जी। कोशिश करिए आप लोग, ये जैसे हस्बैंड वाइफ के क्वेश्चन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो ये कॉम्प्रोमाइज ही इसका एक सलूशन है। और कोशिश करिए अपने घर को बचाने की, क्योंकि बाद में पछताने के सिवा और कोई चारा नहीं बचता है। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, जो पूजा जी का क्वेश्चन आया हुआ है। इन्होंने पूछा है, इनका एक फ्रेंड है जो सरकारी नौकरी में है, उनके ऑफिस में ही एक लड़की है जिसने उनकी नौकरी रुकवा, मतलब जॉब सैलरी रुकवा दी है और मकान को कब्जा कर लिया है, मकान भी ले लिया है। और जब इन्होंने उससे बात की तो हैरेसमेंट करने का, मतलब हम आपके हैरेसमेंट करेंगे, धमकी दे रही है। उसका कोई रिलेटिव वकील है जो कि केस करने की धमकी दे रही है, तो अब ये क्या करें उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, जानना चाहेंगे। पुलिस को ब्लैकमेलिंग का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज करा जी, क्योंकि अगर वो ऐसे जबरदस्ती मकान कब्जा कर ले, कुछ तो इनकी भी गिल्टी होगी, तभी ऐसा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। क्या नाम है इनका? ये तो पूजा जी, एक लेडीज का नाम है। अच्छा अच्छा, जिसने कहा, जिसने क्वेश्चन पूछा, ये इसके प्रॉब्लम इसके फ्रेंड का है जी जी। तो इनको ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज करना चाहिए, इनको पुलिस को सूचित करना चाहिए जी, है ना जी। क्योंकि चुपचाप बैठे रहने से घर भी कब्जा कर लिया, सैलरी भी आप नहीं, तो ये क्वेश्चन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है। ऐसे कोई किसी का घर कब्जा नहीं कर सकता जी। वो ब्लैकमेलिंग कर रहा है, कुछ इन्होंने कुछ ऐसा काम किया होगा इनके दोस्त ने, जिसकी वजह से वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, फायदा उठा रही है। अगर वो ब्लैकमेलिंग जैसे कोई कार्य करती है तो वो गंभीर अपराध है, ये पुलिस को सूचित करेंगे तो वो महिला भी दोषी है जी, उसको उसका दंड मिलेगा, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, करने की बात नहीं है, है ना। मकान घर सब कब्जा भी कर लिए, आज भी इनको ब्लैकमेल कर रही धमकी, इनकी सैलरी ब्लॉक हो गई, धमकी देना विश्वास भी करना, धमकी देना भी अपराध है, पता होना चाहिए, धमकी देना अपराध है। इनको तारीख पुलिस में देना चाहिए, आप उनके जाए पुलिस में जो है तहरीर दें और वही इनका हाल निकल जाएगा जी। डिजिटल मीडिया लें, और जब तक ये डरेंगे ना, ये कुछ इन्होंने गलती किया होगा जिसकी वजह से डर रहे हैं, या इनको वैसे डराया गया है जी, तो ये भयभीत ना हो जी, है ना। अपनी सारी स्थिति जो है स्पष्ट करें पुलिस में जी, और फेस करें प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को फेस करें, पुलिस में एक एप्लीकेशन डालें। बहुत तेरे सीधे लोगों के साथ ये सब होता है जो अपनी इज्जत के डर से कुछ बोलना नहीं चाहते जी, उसका लोग बेजा फायदा उठाते हैं। ऐसा तो जी बहुत जगह पर एक नेक्सस बन गया है जी। आप वायलेंस का सहारा ना लेके एक प्रॉपर प्लान्ड वे में चलिए और कोर्ट केस का सहारा लीजिए, पुलिस का सहारा लीजिए, एफआईआर करिए और एक प्लान्ड वे में चलिए। वायलेंस लोकल वकील से मिले, अगर वो ऐसा नहीं है तो वहाँ लोकल वकील तमाम लड़के मिल जाते हैं जाके जी, न्यायालय परिसर में ये जिलों से मिले जी, है ना, और वो फिर वहाँ मुकदमा दर्ज करा देंगे उनके खिलाफ, उनकी बदमाशी खत्म हो जाएगी जी। एक केस डालिए और प्लान वे में चलिए, अगर आप इनोसेंट हैं तो आपको जस्टिस जरूर मिलेगा, इसी सिस्टम से जस्टिस मिलेगा। लेकिन अगर कहीं आप जी अगर कहीं आपकी ज्यादा फॉल्ट है तो फिर तो आपको डरने की जरूरत है, है ना सर। अगर फॉल्ट इन्होंने कोई किया है तो होगा, नहीं तो ऐसे लोग नहीं डरते हैं जी। लेकिन बहुत लोग ऐसे चक्रव्यूह में फंसा देते हैं, इनोसेंट आदमी डर जाता है, वो बाहर निकल के अपनी बात, हां कभी-कभी होता है सर ऐसा, लेकिन डरने नहीं, वैसे भी
जब परेशान होना ही है जी, तो क्यों ना जब यही है कि हाँ, प्रॉब्लम को फेस करके हाँ, तो फेस करके मारा जाए, जब मरना ही है तो फिर फेस करके मारा जाए जी, लड़ के मरना और वैसे जहर खा के मर जाने में बड़ा फर्क है जी, है ना जी। परिस्थितियों से मुकाबला करना सीखो, चुप चुप के बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा जी, है ना। आप उजागर करो ये समस्या, कई लोगों से बताओ जी, और आपके जो लोकल चैनल मदद करने वाले उनसे ये बात बताओ जी, और फिर पुलिस में इसको रखो जी, कहीं ना कहीं से न्याय मिल जाएगा, कोई डरने की बात नहीं, बात नहीं। तो देखा पूजा जी किस तरीके से सर ने एक्सप्लेन किया, और व्यूअर्स अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो आपको पूछ सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सेम प्रॉब्लम से अगर कोई परेशान है तो उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। अपनी सोसाइटी को ट्राई करिए क्राइम फ्री बनाने की, जिससे हमारी डेमोक्रेसी और ज्यादा स्ट्रांग हो सके और आने वाली जनरेशन और ज्यादा सेफ फील कर सके। थैंक फॉर वॉचिंग।